सभी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ, मैं इस कार्यक्रम को आगे संचालित करते हुए बुरे बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत ही आनंदित भाव से, हर्ष उल्लास के साथ में अपने मुख्य अतिथि महोदया को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आगे का जो कार्यक्रम है हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे आपके वाचन शैली से, आपके गुणी से, आपके ज्ञान महत्व से कि देश दुनिया में किस तरह से ये मोटे अनाज जो हैं जिन्हें हम आज तक नगण्य समझते आए हैं, आज तक हमने अछूते रखे हैं, अनटचेबल या लेसर नोन जिसे कहते हैं या अननोन एक तरह से कहिए कि आज सामान्य परिवेश में, सामान्य घर में गेहूं के आटे के अलावे किसी को अगर कहा जाए कि मोटे अनाजों को उपयोग करिए तो एक अजब सा उनमें विचलन, अजब सा उनमें विचार उत्पन्न होता है, क्यों करें, कैसे करें, कब करें, कितना करें। तो ये सारी चीजों की बातों को हम आज अपने मुख्य अतिथि महोदया से सुनेंगे कि किस तरह से ऐसे जो मिलेट्स हैं जिनका बहुआयामी महत्व है। तो मैं अपने इस मंच को अपने मुख्य अतिथि महोदया को आगे प्रदान कर रहा हूँ कि महोदया जी कृपया आप आइए और हम सभी को अपने जानकारी से लाभान्वित करिए। पुनः स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर पात्रा। और सबसे पहले तो मैं वाइबेन यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस विषय विचार हमारे तो इस पूरे विषय को हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और उससे हम इस विषय को ज़्यादा भली भांति समझ पाएंगे। तो सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप बताइएगा कि आया कि नहीं आया। स्क्रीन पर दिख रहा है? यस मैम। जी यस मैम। यस मैम। धन्यवाद। तो आज का जो विषय है वो है कि वर्तमान मानव जीवन शैली में पारंपरिक मोटे अनाजों के बहुआयामी महत्व, यानी कि जो हम इस समय जीवन शैली जी रहे हैं उसमें हमारे ये जो मोटे अनाज हैं वो किस तरह से महत्वपूर्ण है या किस तरह से वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं हमारी वर्तमान जीवन शैली को सही ढंग से चलाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये जो वर्तमान जीवन शैली जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। हालांकि हम लोग भली भांति जानते हैं लेकिन उस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे रूटीन में, हमारी रोज की दैनिक दिनचर्या में आ गई है। जैसे वर्तमान जीवन शैली को यदि हम मोटे तौर पर देखें तो उसमें सबसे पहली चीज आती है मोबाइल और कंप्यूटर। आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं इनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो या जिसके पास कंप्यूटर पर कोई काम ना हो। इसके बिना आज की जीवन शैली काम ही नहीं कर सकती है। अब जब मोबाइल और कंप्यूटर पर लोग जुड़े हुए रहते हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग या घरेलू महिलाएं ही क्यों ना हो, लेकिन सबके पास मोबाइल कंप्यूटर है। इस कारण जो पूरी दिनचर्या है वो अव्यवस्थित हो गई है। खाना बनाना या खाना खाना, जो घर पर जो खाना बनता है उससे दूर लोग दूर भागते हैं क्योंकि ज्यादातर समय उनका मोबाइल कंप्यूटर में जाता है। तो फिर कहाँ उसको भरपाई करने के लिए फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं कि भाई बाहर का बना जो भी भोजन है, जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है उसको खा के लेकिन हम फिर से मोबाइल और कंप्यूटर में लग जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा भी आजकल बिना मोबाइल के नहीं रह सकता है। तो इस तरह से जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत अधिक
परिवर्तित हो गई है इन सारे तकनीकियों के आने से। हालांकि ये जो तकनीकियां थी, जैसे अब हम ऑनलाइन तकनीक की बात करें, मैं यहाँ गोवा में बैठी हुई हूँ, आप लोग रांची में हैं, और दूसरे लोग भारत के किसी दूसरे, जैसे डॉक्टर पात्रा हैं इस समय वो अपने गृहनगर में है, तो वहां से लेकिन हम जुड़ गए। तो तकनीकियों का जीवन शैली पर एक तरफ एक अच्छा लाभपूर्ण हम कह सकते हैं प्रभाव है, तो दूसरी तरफ इन तकनीकियों ने जिस तरह से हमारी जीवन शैली को, वर्तमान जीवन शैली को बदला है, उसके कारण तनाव, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है आप देख रहे हैं, इसी तरह का तनाव, इसी तरह की अव्यवस्था, मानसिक स्थिति हर व्यक्ति में हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई और व्यक्ति हो। ये नीचे आप फास्ट फूड देख रहे हैं, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने पिज्जा ना खाया हो, जिसने बर्गर ना खाया हो या नूडल्स ना खाए हो, यही तो फास्ट फूड और जंक फूड है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन शैली जो बदल रही है तकनीकी स्तर पर, वो हमारी जो दैनिक दिनचर्या के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को, हमारी अर्थव्यवस्था को और साथ में हमारी पूरी प्रकृति को किस तरह से इसने परिवर्तित कर दिया है, तो इसका हल हमें कहीं ना कहीं खोजना है। और उस हल में एक छोटा सा जो भूमिका है वो पारंपरिक मोटे अनाजों की हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि इस समय मोटे अनाज मिलेट्स, श्रीअन्न, इनकी बातें बहुत हो रही हैं। तो हम यही देखेंगे आज के इस व्याख्यान में कि किस तरह से हमारी बदलती जो जीवन शैली है उसमें पारंपरिक मोटे अनाज, जिनका अपना एक बड़ा महत्व है, वो किस तरह से हमारी जीवन शैली को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो जो बहुआयामी महत्व की हम आज बात करेंगे वो तीन तरह से करेंगे कि मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और प्राकृतिक तौर पर यानी प्रकृति के रूप में वो किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा मोटे अनाज के लिए करेंगे कि मोटे अनाज को अभी इसी साल जो 2023 का हमारी भारत सरकार का बजट जब पेश किया गया था, तो इनको एक नए नाम से सम्मानित किया गया है, और वो नया नाम दिया गया है श्री अन्न। क्योंकि मोटे अनाज तो हम कहते हैं प्रचलित भाषा में, हम शुरू से इसके बारे में सुनते आए हैं, लेकिन एक जो नया नाम श्री अन्न दिया गया है वो इसी साल से हमारे देश में दिया गया है। और श्री अन्न के आगे हम देखेंगे कि ये जो श्री अन्न है वो वास्तव में होते क्या है, लेकिन जब से श्री अन्न प्रदान किया गया है नाम, तब से ये भी इस बात का भी ध्यान भारत सरकार ने रखा है कि किस तरह से जो नाम प्रदान किया गया है मोटे अनाज को, उसको भली भांति लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए कई तरह के जो संस्थान हैं उनमें श्री अन्न को लेकर बहुत सारे शोध और कार्य शुरू किए गए हैं। अब वास्तव में आपको लग रहा होगा कि ये श्री अन्न या मोटे अनाज है क्या, आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन जब हम आपसे कोई पारिभाषिक तौर पर पूछेगा कि आप बताओ श्री अन्न क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ठिठक जाएंगे। श्री अन्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे रोज का अनाज जो है, आप जो खाना खाते हैं उसमें हम ज्यादातर गेहूं और चावल का प्रयोग करते हैं, दलहन, दाल चावल, सब्जी, रोटी, ये हमारे पूरे भारत का एक टिपिकल भोजन होता है। तो उसमें गेहूं और चावल और दाल, ये तीन अनाजों के बारे में हम भली भांति जानते हैं। लेकिन श्री अन्न जो है वो भी एक समय था कि हमारे भारत का एक टिपिकल भोजन हुआ करता था। और श्री अन्न जो हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स होंगे वो भली भांति जानेंगे कि एक प्रकार का खाद्यान्न है, जो अपने दानों के आधार पर हम उसको दो भागों में बांटें, एक श्री अन्न जिसके दाने बड़े होते हैं और एक श्री अन्न जिसके दाने छोटे होते हैं। ये बिल्कुल सरल भाषा में हम बात कर रहे हैं, तो बड़े दाने वाले यानी बाजरा और ज्वार, और छोटे दाने वाले यानी रागी, सांवा, जिनका हम आगे पूरी विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कुल मिला के श्री अन्न यानी कि छोटे छोटे दानों वाला अन्न, खाद्यान्न, जिसको हम श्री अन्न या मोटे अनाज कहते हैं। अब इसी मोटे अनाज को, ये पूरा साल जो 2023 का है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के रूप में मना रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि इस मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्थापित करने में भारत का, हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 2018 में भारत ने खुद अपने देश में राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2018 को घोषित किया था, और तब से मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज के लिए, श्री अन्न के लिए, कदन्न के लिए, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। पोषक अनाज कहा जाता है ये पोषण, इसको पोषक अनाज का दर्जा जो है 2018 में भारत ने दिया था, और भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा संयुक्त राष्ट्र को कि क्यों ना 2023 का जो वर्ष है उसे हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाएं। और खुशी की बात ये थी कि 72 देशों ने इसका समर्थन किया भारत के प्रस्ताव का, और आज जो वर्तमान वर्ष 2023 है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अब ये जो मोटा अनाज है, जैसे हमने परिभाषा देख ली कि भाई मोटा अनाज होता क्या है, अब ये देखें कि जो मोटा अनाज है वो सिर्फ भारत में ही नहीं, यदि आप वैश्विक स्तर पर जब मोटे अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी जो है आज भी इसी मिलेट्स पर, इसी मोटे अनाज पर, इसी श्री अन्न पर अपना पोषण जो है पूरा कर रही है। यदि आप आंकड़ों पर जाएं तो देखेंगे कि जो एशिया और अफ्रीका के 130 से अधिक देश हैं, वहां की लगभग 60 करोड़ आबादी जो है पारंपरिक भोजन जो उनका है वो श्री अन्न है, यानी इन्हीं मिलेट्स का उपयोग वो अपने खाने के लिए कर रहे हैं। और 2021 में एक रिपोर्ट आई थी एफएओ की, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, उसने बताया कि जो हमारा मोटा अनाज है वो अफ्रीका लगभग 49%, 50% ही मान लीजिएगा कि कुल वैश्विक जो उत्पादन होता है विश्व में उसका लगभग 49% अफ्रीका में, और एशिया जो है इसमें 25% योगदान देता है, और 2% के करीब यूरोप या यूएसए, जो पश्चिमी देश हम जिनको कहते हैं, वहां का वहां पर इसका योगदान है। यानी ये आप यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि किस तरह से एशिया और अफ्रीका मोटे अनाज को आगे बढ़ा रहे हैं, या पारंपरिक रूप से उसका विस्तार जो है इन दो महाद्वीपों में ज्यादा होता है। अब मोटे अनाज को यदि अभी आप सोचेंगे कि अभी अभी शुरू हुआ है मोटे अनाज का प्रचलन या उसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। यदि आप मोटे अनाजों का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग जब पाषाण युग में मनुष्य रहा करता था तब यही मोटे अनाज जो थे वो भोजन हुआ करते थे, पाषाण युग के समय की बात। आप स्क्रीन पर देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चित्र हम विशेष रूप से आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे 7000 साल पहले चीन में भी मोटा अनाज, ये पाषाण युग है, और ये 7000 साल पहले चीन में इन्हीं मोटे अनाजों को खाया जाता था। पारस्परिक रूप से लोग जब त्योहार या पर्व मनाया करते थे उस समय, सोचिए तब भी मोटे अनाज का ही उपयोग किया जाता था। यहाँ पर इथोपिया का एक चित्र आप देख पा रहे हैं, एक सूडान का चित्र देख पा रहे हैं, ये सब बहुत बहुत मतलब हजारों साल पहले जो मोटा अनाज था वो हमारी मानव जीवन शैली में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। यहाँ आप देखिए जापान में ये मिठाई तो अभी भी बनती है, इसको कहते हैं अवोकोशी। ये मिठाई मोटे अनाज से बनती है जो जापान की बड़ी ही लोकप्रिय मिठाई है। इस तरह से मोटा अनाज जो है इसकी अपनी बड़ी पुराना और सशक्त इतिहास रहा है, वो तो हमने वैश्विक स्तर पर देखा। आप देखिए हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे इतिहास के प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत में भी मोटा अनाज जो है सदियों पहले से इसका उपयोग होता आया है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे कि ये अलेक्जेंडर के समय का है, 302 से 298 बीसी की बात है। एक मैगस्थनीज, जो यहाँ हमारे इतिहास के यदि विद्यार्थी बैठे होंगे तो ये सारे नाम उनको भरी भांति जानते होंगे, मैगस्थनीज एक थे हिस्टोरियन, उन्होंने बताया था कि भारत में जो है लोग मोटे अनाज का की कृषि करते हैं और उसका पोषण के रूप में उसका उपयोग करते हैं, और यही बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमारे यहाँ इसका उल्लेख होता है। दक्षिण भारत की यदि आप बात करें तो दक्षिण, एक कन्नड़ कवि हुए हैं, कन्नड़ कनक दास,
उन्होंने रामधान्य चरितम एक लिखा था, और रामधान्य मतलब यही मोटा अनाज, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। टीपू सुल्तान के जो हैदर अली थे उनके बारे में भी, आप 18वीं शताब्दी में जो इतिहास के लोग हैं जानते हैं, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जो हैदर अली था उसका जो रोज का डाइट हुआ करता था, रोज की जो भोजन होता था उसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज को वो रखता ही था। और फिर 20वीं सदी की यदि हम बात करें तो लेल्सी कॉलमेन जो थे उन्होंने पहला जो है मोटे अनाज का वैरायटी विकसित की थी। तो इस तरह से हम मोटे अनाज के इतिहास को जब देखते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी और भारतीय इतिहास में भी मोटे अनाज के बारे में बहुत बहुत जानकारियां पड़ी हैं। मोटा अनाज शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, उसकी जो उसका जो महत्ता है जिसको हम आगे देखेंगे कि वैज्ञानिक तौर पर वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो उसको उसके बारे में सब लोग जानते थे। अब हम भारत पर यदि आए तो भारत में श्री अन्न या जो मोटा अनाज है पूरा आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आपके सेवन सिस्टर्स तक देखें तो अलग अलग नामों से ये जो मोटा अनाज है वो पूरे भारत में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए मुख्य रूप से जो यदि हम मोटे अनाज की बात करें तो हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, कंगनी, अब इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये जो फसल है वो वही है। जैसे क्योंकि हमारा देश आप जानते हैं कि बहुभाषी देश है इसलिए इसको अलग अलग आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि हमारे यहाँ हिंदी में यदि ज्वार बोला जा रहा है, अंग्रेजी में जिसको हम सौरघम कहते हैं, लेकिन कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, इनमें बात वही है ज्वार ही, लेकिन इसको कोई जोल बोल रहा है, कोई चोलम बोल रहा है, जौना, ज्वारी, ज्वार, इस तरह से। तो मोटे अनाजों के नाम अलग अलग हैं लेकिन ये सब वही फसलें हैं जिनका प्रयोग पूरा भारत करता है। अब हमने शुरू में ही कहा था कि जो मोटा अनाज है उसकी बहुआयामी महत्ता जो है उसको हम तीन तरह से देखेंगे। तो एक जलवायु या प्राकृतिक तौर पर हम यदि देखें तो सबसे अच्छी चीज मोटे अनाज की ये होती है कि ये इसको कोई नाज नखरे नहीं है इसके कि भाई हमको ऐसी मिट्टी चाहिए या हमको इतनी वर्षा चाहिए या इतना उर्वरक चाहिए, इतना ही तापमान चाहिए, जैसे हम दूसरी फसलों के बारे में देखते हैं। लेकिन मोटा अनाज की जितनी भी फसलें हैं उसमें इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं भी उगाता है, कैसी भी जलवायु में उगाता है। उसके लिए ऐसे देखा जाए तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वो वहां भी उगाएगा, कैसी भी मिट्टी है, कैसी भी वातावरण है, वो सब जगह उगाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सहिष्णु फसलें हैं जिनका प्रयोग भारत का कोई भी किसान कर सकता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब ये इसका शोध किया गया तो पाया गया कि इसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं, पादप रोग हैं, कीट भी इनको बहुत कम प्रभावित करते हैं। तो ये सब इनकी इस मोटे अनाज की प्राकृतिक तौर पर आप देखेंगे कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम थोड़ा संक्षिप्त में इन मोटे अनाजों के बारे में, इनका बॉटनिकल या इनका वानस्पतिक रूप से किस तरह से ये महत्वपूर्ण है इसको जानना भी जरूरी होता है। जैसे ज्वार है, जो बॉटनी के हमारे स्टूडेंट हैं वो समझेंगे कि पोएसी फैमिली जो होती है, ज्वार जो है वो पोएसी फैमिली का एक सदस्य है और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो सॉर्गम बाइकलर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल, हम मोटे अनाज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप साथ में, ये सारे जो मोटे अनाज हैं जिनके मैं चित्र दे रही हूँ उनके दाने जरूर देखिएगा। जैसे ये ज्वार है, ज्वार का दाना कैसा है, सफेद रंग का है, और ये जो इनके जो पुष्पक्रम हैं जो उसको भी आप देखिए, लगभग सबके वैसे ही आपको दिखाई देंगे। बाकी ये सब आप स्क्रीन पे देखिए कि इसके लिए जो काली मिट्टी है, चाहे दोमट मिट्टी है, किसी भी तरह की जो मिट्टी है वो इसमें ज्वार उग आता है। जैसे हमने कहा कि मोटे अनाज इस तरह का कोई भी नाज नखरा नहीं करते तो ज्वार भी सब तरह से उग आता है। यहाँ दानों पर जो ज्वार का सेवन यदि आप करते हैं, जिसे महत्व की बात की जाए स्वास्थ्य के रूप में यदि हम देखें तो ज्वार का सेवन करने से जो हृदय संबंधी रोग हैं उन पर बहुत नियंत्रण पाया गया है। यदि रोज व्यक्ति ज्वार का सेवन करे तो उसका जो ऐसा कहते हैं ना कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो यदि ज्वार खाई जाए
तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। इसमें जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, वो सख्त नहीं हो पाती हैं ज्वार का सेवन करने से। एक और ज्वार का फायदा ये होता है कि आपने बहुत सा ये नाम सुना होगा सीलिएक रोग का। सीलिएक रोग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेहूं की बनी चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि गेहूं में एक ग्लूटिन नामक चीज होती है जिसके कारण की पचा नहीं पाते हैं खाने को। तो जो ज्वार है उसमें ग्लूटिन नहीं होता है, और इसलिए लोग ज्वार की रोटियां गेहूं की रोटी की बजाय ज्वार की रोटी खाते हैं। तो इस तरह की ये सब चीजें हैं इस रोग से बचने के लिए, किस तरह से ज्वार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हड्डियां मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग मोटे हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसमें भी ज्वार का उपयोग किया जाता है। आगे हम और इसको विस्तार से जानेंगे। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मोटा अनाज है वो है बाजरा। बाजरा में भी आप देखिए, मैंने कहा था कि आप इनके दाने जरूर देखिएगा। ज्वार में हमने देखा दाना लगभग ऐसे ही था, रंग उसका सफेद था। बाजरे में देखिए दाना वैसे ही है लेकिन रंग इसका हरा है। ये इसकी मोर और लेस जो पुष्पक्रम है वो भी आपको लगभग वैसे ही दिखेंगे। और बाजरा जिसका ये पोएसी फैमिली से आता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पेनिसिटम टाइफाइडिस है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोटा अनाज हम कह सकते हैं। ये हमारे यहाँ लगभग सभी जो राज्य हैं उनमें इसको उगाया जाता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि खास तौर पर जो भारत के जितने भी अर्धशुष्क और शुष्क भाग वाले क्षेत्र हैं वहां पर मोटे अनाज की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। और बाजरा के सेवन में भी आप देखेंगे कि इसका फायदा भी लगभग ज्वार की तरह ही है। ये भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो आप कहेंगे कि मधुमेह और कैंसर, इसमें भी बाजरा जो है अस्थमा, इसमें बाजरा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सेवन से इस तरह की जो चीजें हैं उन स्वास्थ्य लाभ लोग कर सकते हैं। तीसरा है रागी। अब रागी के दाने आप देखिएगा लग वैसे ही रहे हैं ज्वार की ही तरह, लेकिन इनका रंग जो है थोड़ा सा ब्राउनिश या लाल सा रंग लिए हुए हैं। पुंकेसर भी आप देखेंगे, इसका पुष्पक्रम आप देखेंगे लगभग वैसे ही है। तो और आता ये भी पोएसी फैमिली में ही है, रागी भी पोएसी फैमिली का ही है। इसका वानस्पतिक नाम जो है एल्यूसिन कोरकाना है। इसके साथ भी आप देखेंगे कि वही सब चीजें हैं, क्योंकि मोटे अनाज में आपको फसलें अलग अलग मिल रही हैं लेकिन दिखने में बस थोड़ा बहुत अंतर है, और उनका जो उपयोग हो रहा है, उनका जो स्वास्थ्य लाभ है वो भी लगभग वही है। अब देखिए रागी के बारे में एक बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां की जो नेशनल साइंस अकेडमी है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, उसने देखा कि भाई रागी में तो बड़ा ही पोषक तत्व होते हैं और इसलिए उसको सुपर अनाज की संज्ञा दी गई है रागी को। और ये एक हमारे भारत में भी रागी का उपयोग जो है बहुत अधिक होता है, खासतौर पर आप दक्षिण भारत में यदि देखेंगे तो इसकी बहुत अधिक पैदावार होती है। नॉर्थ में भी होती है लेकिन दक्षिण भारत में रागी जो है काफी महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ यदि आप इसका भी स्वास्थ्य लाभ देखें तो वही सारी चीजें यहाँ भी आपको दिख जाएंगी कि वजन कम करता है, हृदय के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे एक चीज आई है त्वचा, रागी जो है वो त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और एक एंटी ऑक्सीडेंट, इसका संबंध कहीं ना कहीं त्वचा और एंटीऑक्सीडेंट का है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का संबंध जो अच्छी त्वचा दिखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का संबंध होता है। तो इस तरह से रागी जो है वो आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक ये जो है कुटकी, इसका भी दाने आप देखिएगा, यहाँ दाना थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि इसकी फैमिली अलग हो जाती है। ये है पैनिकम फैमिली का है, इसका नाम पैनिकस सुमाट्रेंस है। यहाँ पे आपको इसके इन्फ्लुएंस यानी पुष्पक्रम भी जो है अलग, थोड़े से अलग दिखाई देंगे। और कुटकी जो है ये रागी, ज्वार और बाजरा, इनकी तुलना में थोड़ा सा कम प्रचलित है, क्योंकि इसका जो जेनेटिकल संग्रहण था, आनुवंशिक विविधता जो है इसकी कम है, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि कुटकी जो है पूरी तरह से पूरे भारत से ही लगभग समाप्त हो गई थी, विलुप्त हम कह सकते हैं हो गई थी, इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं। लेकिन अब जबकि मोटा वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम मोटा अनाज का बना रहे हैं तो कुटकी के तरफ भी वैज्ञानिकों का ध्यान जो है जा रहा है। और इस सब की बाकी सारी अनाज की तरह कुटकी का भी वही है कि ये जो है किसी भी तरह की परिस्थिति में उग सकता है। इसी तरह से एक है कोदो।
कोदो जो है वो बहुत कुछ चावल की तरह दिखता है ना। और इसका ये जो इसका नाम है पासपलम स्कोरबी कुलाचम, इसका इन्फ्लोरेसेंस आप देखेंगे पुष्पक्रम, तो ये भी है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज आप देखो कि कोदो को आजकल शुगर फ्री चावल, जो शुगर फ्री राइस के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। ज्यादातर ये जो है कोदो, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक उगाया जाता है। फिर आती है कंगनी, ये भी थोड़ी सी रेयर, जैसे हमने कुटकी की बात की थी उसी तरह से कंगनी भी जो है रेयर है। ये भी पोएसी फैमिली में ही आती है और इसका वानस्पतिक नाम सेटेरिया इटैलिका है ना। और लेकिन इस पर काम काफी होने लगा है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने अर्जुन, AIS 326, ये बहुत सारी इस तरह की किस्में जो हैं इसकी विकसित कर ली हैं। इसलिए कंगनी अब विलुप्ति की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि इनका जो जेनेटिकल जर्म प्लास वगैरह लेके इसकी वेराइटीज तैयार कर दी गई हैं। फिर आता है सांवा और झंगोरा, इसका भी आप दाने देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साबूदाने के दाने जैसे दिख रहे हैं। ये भी पोएसी फैमिली का है और इसका वानस्पतिक नाम जो है इकाइनोक्लोवा फ्रूमेंटेसिया है। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं कि मोटा अनाज है। और ये एक लास्ट आप देखिए चैना या बर्रे, ये इसका वानस्पतिक नाम पैनिकम मेलिसियम है, ये भी पोएसी फैमिली में ही आता है। और ये ज्यादातर आपके बिहार है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर इसको उगाया जाता है। तो ये कुछ हमने चीजें देखी कि ये हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण मोटा अनाज की फसलें हैं। अब यदि हम इनको पोषण के स्तर पर, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यदि 100 ग्राम खाद्य भाग में हम देखें तो किस तरह से इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी मिलती है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, तो अलग अलग इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो हमको रोज के लिए काम करने के लिए, एनर्जी के लिए जो चीजें हमको चाहिए भोजन में अपने, वो सब इनमें सारे मोटे अनाजों में भरपूर मिल जाएंगी। बाद में आप इनको देख सकते हैं, शेयर कर दूंगी मैं कि आपके जरूरत के लिए कि कितना कितना परसेंट जो है इनका पाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इतनी महत्वपूर्ण ये जो मोटे अनाज थे जो हमारे भारत में भी पाए जाते थे, विश्व स्तर पर भी पाए जाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीच का एक काल आया कि ये उस कालखंड में इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगे। तो उसका कारण ये था कि भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद बहुत कुछ ध्यान इस तरफ रखा गया कि लोग भुखमरी से जो मर रहे थे वो ना उनका उनका वो जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति में ज्यादातर धान और गेहूं की तरफ बहुत ध्यान दिया गया और लोगों ने उससे बहुत कमाई की, बहुत पैसा कमाया। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि जो हमारा मोटा अनाज की जितनी फसलें थी वो सब एक तरफ हो गई। लेकिन अब वही समय आया है कि धीरे धीरे लोगों ने जाना, वैज्ञानिकों ने जाना, समाज ने जाना, कृषकों ने जाना कि नहीं, सिर्फ गेहूं और चावल से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक मोटे अनाजों को एक बार फिर प्रचलन में लेकर आए। और इसलिए अब आप देखेंगे कि इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। इसलिए हम देखो इस समय लोग जानने लगे पोषण के पावर हाउस के नाम से इनको जाना जाता है। अब हम इस स्लाइड में थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसका विश्लेषण करेंगे कि मोटे अनाजों में वास्तव में क्या होता है, उनका जैव रसायन क्या है जिसके कारण कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो हमने अभी देखी थी कि इनमें एक तो ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, कैलोरी बहुत होती है, और सबसे बड़ी चीज कि इनमें ग्लूटेन मुक्त प्रोटीन होती है, यानी ग्लूटेन नहीं पाया जाता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हमारे पाचन प्रक्रिया के लिए। तो वो किसी भी मोटे अनाज की फसल में नहीं होता है, ग्लूटेन मुक्त होती है, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मिनरल्स, खनिज बहुत अच्छे मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। अब प्रोटीन को भी यदि आप विस्तार से, गहराई से देखें तो देखेंगे कि प्रोटीन में एक थ्रियोनिन के अलावा जो बाकी जितने अमीनो एसिड हैं, चाहे वो लाइसिन हो, मेथियोनीन हो, सिस्टीन है, ये सब मोटे अनाजों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
इसी तरह से आप देखेंगे कि इनमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर, जिंक, ये जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सारे मिनरल्स बहुत जरूरी हैं, ये सारे के सारे बहुत अधिक मात्रा में मोटे अनाज में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की यदि आप बात करें तो स्टार्च इसमें 65-70% है, और यदि कार्बोज जो कि गैर स्टार्च है तो 16-20%। जो भी हमारे विज्ञान के विद्यार्थी इसमें बैठे होंगे उनके लिए कोई नई बात नहीं है ये सारे टर्म्स। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखें तो ये सारी चीजें इनमें बहुत अधिक पाई जाती हैं। इसी तरह से जो फाइटो रसायन होते हैं जैसे टैनिन है, फिनोलिक एसिड है, एंथोसाइनिन है, और जो छोटे वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सब भी मोटे अनाजों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। जहां तक विटामिन की बात आप देखें तो थायमिन है, राइबोफ्लोबिन है, फोलिक एसिड है, नियासिन है, बीटा कैरोटीन है, ये सब कुछ जो कि चावलों में बिल्कुल नगण्य है लेकिन मोटे अनाज की जितनी भी फसलें हमने अभी जानी उन सब में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन सभी के कारण आप देखेंगे कि किस तरह से इनमें एक तरफ पौष्टिकता है तो दूसरी तरफ इनमें औषधीय गुण है। जो उनका जैव रसायन हमने देखा तो किस तरह से ये कई तरह का जो हमारा रोग होते हैं उनमें ये कैसे महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, इन पर बहुत सारे शोध हुए हैं, शोध चल भी रहे हैं। तो अलग अलग यदि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से जो मैग्नीशियम की प्रचुरता है वो मनुष्यों में जो माइग्रेन होता है या जो हार्ट अटैक हो जाता है उसकी समस्या के निवारण के लिए ये इनमें पाया जाने वाला जो मैग्नीशियम है वो किस तरह से महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो आपने देख ही लिया। इसी तरह से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आई है कि जो टाइप 2 मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, उसके लिए भी श्री अन्न या मोटा अनाज जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जो कैंसर है खासतौर पर स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए, और बच्चों में जो श्वास संबंधी बीमारियां हो रही हैं उनमें मोटा अनाज जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी इसका सेवन यदि किया जाए तो अच्छा रहेगा। अब सेवन की जब बात आती है तो लोग कहेंगे भाई ये रोटी जो बच्चे हैं आज की जो हम मानव वर्तमान जीवन शैली की बात कर रहे थे तो रोटी या दाल चावल देख के बिल्कुल मुंह जो है उनका बन जाता है कि ये खाएंगे क्या, खिचड़ी खाएंगे क्या, है ना। तो लेकिन इसके लिए नई नई चीजों इजाद की जा रही हैं, क्योंकि ये देखा गया कि भाई जब कोरोना काल आया था तो खासतौर पर देखा कि भाई ये जो मोटा अनाज है बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ी। तो बच्चों को समझाने के लिए कई तरह के लड्डू हैं या कुकीज हैं, इवन तो मैंने देखा यहाँ चित्र में भले ही मुझे मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन पिज्जा बर्गर में भी मोटे अनाजों का उपयोग किया जाने लगा है। तो स्वाद में हो सकता है कि वो उतना अच्छा नहीं रहता लेकिन उसको एक स्वाद भी दिया जा रहा है और कई तरह के लोकप्रिय व्यंजन जो है इसके तैयार किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान जीवन शैली में जो हम खाना पीना कर रहे हैं उसका एक सब्स्टिट्यूट उसी रूप में हम दे सकें। बस उसका कंटेंट जो है वो बदल जाएगा, जहां पर आप मैदा यूज कर रहे हैं वहां पर आप मोटे अनाजों को उपयोग कर सकते हैं और वही चीजें खाई भी जा सकती हैं। तो ये पूरा जो महत्व था, जो बहुआयामी महत्व की बात हम कर रहे हैं, ये हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा, जो हम कह सकते हैं कि काफी काफी महत्वपूर्ण है। आपको भी लगा होगा, कहीं ना कहीं आपके मन में भी आया होगा कि क्यों ना अब हम मोटे अनाज से बने हुए जो खाद्यान्न जो रेसिपीज हैं उनको उपयोग करें या जो धीरे धीरे मोटे अनाज से बनी चीजें हैं उनको खाएं। तो वो स्वास्थ्य था। अब दूसरी हम देखते हैं कि किस तरह से आर्थिक स्तर पर भी इसका अपना महत्व है। तो जो किसान हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर इन मोटे अनाजों को उगा रहे हैं, चाहे वो विश्व के हों चाहे भारत के हों। और एक आपने नाम सुना होगा एपीडा का, जिसको हम कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहते हैं। जब उसने इसका आर्थिक स्तर पर या अर्थव्यवस्था के रूप में जब इसका विश्लेषण किया तो ये पाया कि 2021-22 में 6.428 करोड़ डॉलर जो है मोटे अनाज से प्राप्त किए गए। और ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी 2023 में हम ये मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2023-24 में ये बढ़कर 10 करोड़ डॉलर का निर्यात जो है हो सकता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे सोचिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत में बड़ा ये एक माना जाता है कि किसान दूसरों के लिए फसल उगाते हैं लेकिन खुद गरीबी में जीते हैं। लेकिन अब मोटे अनाज एक बड़ा बहुत अच्छा विकल्प सामने आया है किसानों के लिए भी, कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। और चलते चलते हम एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान दें कि किस तरह से जो अब हमारा आर्मी है, क्योंकि यही थोड़ी कहेंगे कि भाई बच्चे बस खाएं मोटे अनाज को या आम आदमी खाए, हर व्यक्ति को इस मोटे अनाज से जुड़ना है। और किस तरह से जुड़ना है इसके लिए कि एक सुव्यवस्थित ढंग से कि समाज में श्री अन्न का या मोटे अनाज को लोग समझें, उसकी महत्ता को समझें, तो उसके लिए देखिए जो भारतीय सेना है उसमें भी जो उनको लंच दिया जाता है या उनको राशन बांटा जाता है, उसमें भारतीय सेना में मोटे अनाजों को एक बार फिर 50 साल पहले कहते हैं कि मोटे अनाज खाया करते थे हमारे जो सैनिक होते थे, लेकिन अब फिर से वो परंपरा वापस लौटी है और सैनिकों को मोटे अनाज से बनी हुई जो चीजें हैं वो खिलाई जाएंगी। और हमारा देश जैसे कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो सोचिए कि G20 में भी हमने मोटे अनाजों को S20 जो साइंस 20 है उसके माध्यम से भी रखा है, स्टार्टअप के माध्यम से रखा है, किसानों को जो संगठन है उनको हम लेकर आए हैं, तो जितनी भी प्रतिनिधि G20 की बैठकें हो रही हैं उनमें भी मोटे अनाजों को रखा है। और ये जो श्री अन्न योजना आई है उससे तो किसानों को भी लाभ है, जो हमारे सामान्य जन हैं, जो उद्योग हैं, उन सबको, तो इस तरह से मोटे अनाज को जो है पूरे समाज में विश्व स्तर पर लाने के लिए बहुत अधिक काम जो है वो किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह से जो हम मोटे अनाज की जो महत्ता है, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ की हो, चाहे वो आर्थिक लाभ की हो, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर हो, और हम मेरा तो अनुरोध है कि इस लेक्चर के बाद ही सही कम से कम आप लोग सभी मोटे अनाज की जो महत्व है उसको समझें और अपनी जीवन शैली में उसको जरूर अपनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो सपना है कि कवि सम्मेलन की तरह एक विज्ञान सम्मेलन कराया जाए वो YBN यूनिवर्सिटी के ही प्लेटफॉर्म पर पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है और आगे भी हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम को लेकर के आपके समक्ष आएंगे। सभी लोगों के सकारात्मक सफलतापूर्वक सहयोग के लिए मैं अपने तरफ से डॉक्टर कमलकांत पात्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और अपने स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से चूँकि कुछ तकनीकी परेशानी रहे मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा और आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।